हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वीएम के टेक्निकल पावर और मैं आपका दोस्त विजय वर्मा। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं इस फोर वे ट्रैफिक लाइट सिस्टम को। तो हम इसे कैसे बना सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक प्लाई लेते हैं और उस पर हमने फोर वे ट्रैक बना लिया है और फिर हमने फोर पिलर लिए हैं जिनमें हमने होल्डर को कनेक्ट कर लिया है और ये तीनों होल्डर रेड, येलो, ग्रीन लाइट के होंगे। तो हम चारों ट्रैक पर इन पिलर को कनेक्ट कर देंगे। तो हम इन चारों पिलर को एक अच्छे तरीके से स्टेबल कर देंगे। तो हमने चारों पिलर को स्टेबल कर दिया है। अब इन सभी पिलर के पास में एक होल है प्लाई में, उस होल से हम इन सभी के वायर को नीचे की साइड निकाल देंगे और फिर हम एक जगह इन सभी वायर को सेट कर देंगे। तो हमने सभी वायर को एक जगह सेट कर दिया है और ये चारों ट्रैक के वायर हमने निकाल लिए हैं। अब इसके बाद हम रिले किट लेते हैं। एक हम 4 चैनल 5 वोल्ट रिले किट लेंगे और एक 8 चैनल 5 वोल्ट रिले किट लेंगे, जिससे हमारे पास टोटल 12 रिले हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम एक आर्डिनो यूएनओ बोर्ड लेंगे और इसे भी हम इस प्लाई में स्टेबल कर देंगे। हम स्क्रू के थ्रू रिले को और आर्डिनो को इस प्लाई बोर्ड में स्टेबल कर देंगे। अब हम कनेक्शन करेंगे। तो हमने 2 जम्पर वायर को 1 जम्पर वायर से कनेक्ट कर लिया है। तो हम पहले उसे 5 वोल्ट में कनेक्ट कर देंगे आर्डिनो के और फिर उसे हम रिले के, दोनों रिले के वीसीसी में कनेक्ट कर देंगे। तो इससे एक ही जगह से दोनों जगह पावर पहुंच जाएगी। फिर इसके बाद हम 5 जम्पर वायर लेंगे और पहले जम्पर वायर को हम ग्राउंड से कनेक्ट करके आर्डिनो के ग्राउंड में कनेक्ट कर देंगे, जिससे रिले में ग्राउंड कनेक्शन पहुंच जाएगा। और फिर इसके बाद हम रिले के इनपुट 1 को आर्डिनो की पिन नंबर 13 से और इनपुट 2 को आर्डिनो की पिन नंबर 12 से और इनपुट 3 को हम आर्डिनो की पिन नंबर 11 से और इनपुट 4 को आर्डिनो की पिन नंबर 10 से कनेक्ट कर देंगे। इससे फर्स्ट रिले के कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। फिर इसके बाद हम सेकंड रिले के ग्राउंड का कनेक्शन आर्डिनो के ग्राउंड पिन से कर देंगे। फिर उसकी इनपुट 1 का कनेक्शन आर्डिनो की पिन नंबर 9 से, इनपुट 2 का कनेक्शन आर्डिनो की पिन नंबर 8 से, फिर इनपुट 3 का कनेक्शन आर्डिनो की पिन नंबर 7 से और फिर इनपुट 4 का कनेक्शन आर्डिनो की पिन नंबर 6 से, इनपुट 5 का कनेक्शन आर्डिनो की पिन नंबर 5 से और इनपुट 6 का कनेक्शन आर्डिनो की पिन नंबर 4 से और फिर इनपुट 7 का कनेक्शन हम आर्डिनो की पिन नंबर 3 से और इनपुट 8 का कनेक्शन आर्डिनो की पिन नंबर
टूशे करेंगे, जिससे इन दोनों रिले किट के कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। अब जो चारों ट्रैक के पिलर में जो होल्डर कनेक्ट हैं, उन सभी के कनेक्शन हम इन दोनों रिले किट से करेंगे, लेकिन हम इसमें सभी ट्रैक के अलग अलग कनेक्शन करेंगे वन बाई वन। जिस तरह से सर्किट में कनेक्शन दिखाए गए हैं, उसी तरह से हम होल्डर के कनेक्शन रिले किट से करेंगे। अब हमारे इस सिस्टम के सभी कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम सभी होल्डर में बल्ब्स को कनेक्ट कर देंगे, रेड येलो ग्रीन। इसी सीरीज में सभी होल्डर्स में हम बल्ब्स को कनेक्ट कर देंगे। अब हम इस सर्किट की टेस्टिंग करेंगे। तो हम आर्डिनो में पावर यूएसबी के थ्रू दे रहे हैं अभी चार्जर से, लेकिन हम इसमें 5 वोल्ट 2 एम्पियर का चार्जर भी यूज कर सकते हैं। और हमने रिले के प्लग को भी 230 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया है। तो इस तरह से 4-way ट्रैफिक लाइट सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें काउंटिंग 1x1 स्टार्ट हो गई है। सभी ट्रैक जितने भी 4-way लाइन्स हैं, तो इनमें 1x1 काउंटिंग होगी। पहले फर्स्ट ग्रीन हो जाएगा, फिर सेकेंड 3 साइड का रेड रहेगा, और फिर जैसे ही दूसरी साइड डायरेक्शन जानने वाला होगा, तो उससे पहले दोनों साइड का येलो होगा, फिर उसके बाद चेंज हो जाएगा, और फिर 3 साइड का रेड रहेगा। तो इस तरह से ये काउंटिंग चलती रहती है।